अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और किसी ऐसे आइडिया की तलाश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हो और मुनाफे वाला भी, तो ऑटो रिपेयर गैराज एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। आज क्विक सपोर्ट के इस केस स्टडी वाले वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपना ऑटो रिपेयर गैराज कैसे खोल सकते हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन यूनिट्स बेचकर 2020 में ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मार्केट था, जिसमें कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल शामिल थे। साथ ही 2019 में कमर्शियल व्हीकल बनाने के मामले में इंडिया 7वीं पोजीशन पे था। 2020 में ही इंडिया में लगभग 30 लाख गाड़ियां बिकी हैं और सिर्फ मई 2021 में ही इंडिया के पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन 8 लाख यूनिट से ज्यादा हुआ है। इंडियन जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल कंट्रीब्यूशन 7.1% है। साथ ही अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में करीब 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बिके थे। अब इस जबरदस्त बिक्री के बाद निश्चित ही गाड़ियों के बिगड़ने पे उन्हें बनाने के लिए लोगों को ऑटो रिपेयर गैराज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऑटो रिपेयर गैराज का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है, जिसमें लोग अपना करियर भी बना सकते हैं और पैसा भी। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अगर उसकी ट्रेनिंग या नॉलेज ली जाए तो सबसे अच्छा होता है। इसीलिए ऑटो रिपेयर गैराज शुरू करने से पहले अगर आप इसकी पढ़ाई या प्रैक्टिकल कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर खुद ही नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को काम पे रखिए जो प्रोफेशनल डिग्री ले चुके हैं और जिनको इस फील्ड में अच्छी एक्सपीरियंस भी हो। कोर्स ऑन ऑटो रिपेयर सर्विस। ऑटो रिपेयर गैराज शुरू करने के लिए अगर पढ़ाई की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स इन फोर व्हीलर सर्विसिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन टू व्हीलर सर्विसिंग या मोटर व्हीकल मशीन की पढ़ाई ITI से कर सकते हैं। ये पढ़ाई करने के लिए क्लास 10th क्वालिफाइड होना चाहिए और साइंस और मैथ में आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर सर्विसिंग पे सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होता है, जबकि ITI से अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 2 साल तक की हो सकती है। जहाँ तक कोर्स फी की बात है तो वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने पे अलग अलग हो सकती है, जबकि ITI में एनुअल फीस 5 से 50 हजार रुपए तक हो सकती है। एक्चुअली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फीस प्राइवेट के मुकाबले काफी कम होती है। ITI में एडमिशन लेना भी बहुत आसान होता है। कई बार स्टूडेंट्स को 10th का मार्क्स देखकर एडमिशन दे दिया जाता है। वैसे इसके लिए एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। देश के लगभग सभी राज्यों में ये टेस्ट लिया जाता है, जैसे आसाम ITI एडमिशन टेस्ट, बिहार ITI एडमिशन टेस्ट, छत्तीसगढ़ ITI एडमिशन टेस्ट, दिल्ली ITI एडमिशन टेस्ट, गुजरात ITI एडमिशन टेस्ट वगैरह। 2 साल के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही करवाया जाता है। अपना कोर्स पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति या तो अपना खुद का गैराज खोल सकता है या फिर जॉब भी ढूंढ सकता है। करियर ऑप्शन की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छा करियर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोर्स पूरा होने पे अक्सर कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है या फिर कैंडिडेट खुद भी टाटा, ह्युंडई, अशोक लीलैंड, टोयोटो, हीरो, होंडा, बजाज, TVS जैसी कंपनियों में अप्लाई कर सकता है। अगर सैलरी की बात करें तो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ महीने के 10 से 15 हजार की सैलरी वाली जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप ग्रोथ देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है, जहां आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। उस लिहाज से नई नई चीजें सीखने और अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करते रहने की जरूरत पड़ती है। अगर वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहेंगे तो इस इंडस्ट्री में इजिली सस्टेन कर लेंगे। कोर्स कम्प्लीट होने पे आप मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ऑटो सर्विस टेक्नीशियन, मोटर व्हीकल मैकेनिक, फिल्टर ऑटोमोबाइल और सुपरवाइजर के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में जो आपको अपना ऑटो रिपेयर गैराज शुरू करने में मदद करेंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा, जिसमें टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैपिटल, लोकेशन, गैराज स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजप्शन, मेंटेनेंस, अदर एक्सपेंसिव जैसी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इन सब के बाद आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप अपना बिजनेस अपने परिवार की किसी महिला के नाम पे करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से GST नंबर भी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे हम कई बार अपने वीडियोस भी बना चुके हैं। नेक्स्ट इज गैराज लोकेशन। ऑटो रिपेयर गैराज खोलने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी पड़ेगी, जहाँ बिजनेस ग्रो करने की संभावना हो। आजकल लगभग हर छोटे बड़े शहर में और गांव में भी लोगों के पास बाइक, स्कूटर, कार या दूसरे मोटर व्हीकल्स होते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए गैराज तो चाहिए ही चाहिए।
इसीलिए अगर आपके एरिया में इतनी गाड़ियां हैं जहां एक गैराज खोलना फायदेमंद हो सकता है तो आप गैराज खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ऐसे एरिया में है जहां गैराज की जरूरत है तो आप अपनी सर्विस शुरू कर सकते हैं। हमेशा कोई ऐसा एरिया या लोकेशन चूज कीजिएगा जो इजी टू एक्सेस हो, जहां गाड़ियां आने जाने के लिए स्पेस हो, गाड़ियां खड़ी करने की जगह भी हो, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, कोई बिजी चौराहा जहां से गाड़ियां गुजरती हो, कोई बाईपास रोड जो हाईवे से कनेक्टेड हो, या फिर लॉन्ग रूट वाला कोई हाईवे जहां से दूसरे राज्यों वाली गाड़ियां भी जाती हो। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अगर उसका एक्सपीरियंस कर लिया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि अगर ऑटो रिपेयर गैराज की जानकारी नहीं है तो उसकी पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपके लिए पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है तो काम पे ट्रेन्ड और क्वालिफाइड स्टाफ और मैकेनिक रखना अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका खुद का गैराज है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर रिपेयर शॉप है, तो उनसे भी आप अपनी जानकारी बढ़ाकर अपने बिजनेस की सोच कर सकते हैं। टूल्स एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट। अगर आप एक फुल्ली फंक्शनड टू व्हीलर गैराज खोलना चाहते हैं तो आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है हाइड्रोलिक रैंप, मैनुअल ऑपरेटेड हाइड्रोलिक रैंप, व्हीकल वॉशर, स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर, पीयूसी मॉनिटर, वेस्ट ऑयल कलेक्शन ट्रॉली, मॉइस्चर सेपरेटर, न्यूमेटिक टूल्स, हैवी ड्यूटी बॉक्स स्पैनर्स, स्क्रू ड्राइवर बिट्स एंड अडेप्टर्स, टॉर्क रेंचर्स, इंडस्ट्रियल लिफ्ट्स, पावर पैक ऑफ रैंप, रोलर टेस्ट बेंच, चैन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग मशीन, एयर कंप्रेशर्स फॉर सर्विस स्टेशंस, बैटरी चार्जर, बैटरी टेस्टर, मैकेनिक टूल ट्रॉली, डिस्प्ले पैनल, न्यूमेटिक एक्सेसरीज, स्पेशल सर्विस टूल्स, जनरल पर्पस गैराज टूल्स, ऑयल डिस्पेंसर, व्हीकल लोडिंग अनलोडिंग लिफ्ट्स, व्हीकल वॉशर। इनमें से आपको अपनी जरूरत की चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर फोर व्हीलर की बात करें तो आपके ऑटो रिपेयर गैराज में टायर चेंजर, इंजन जिग, इलेक्ट्रिक टायर चेंजर, वेस्ट ऑयल कलेक्टर, फुली ऑटोमेटिक नाइट्रोजन जनरेटर, माइल्ड स्टील 8 टन सिंगल पोस्ट वॉशिंग लिफ्ट गैराज इक्विपमेंट, अलाइनमेंट मशीन, व्हील बैलेंसिंग एक्सेसरीज, हाइड्रोलिक बॉटल जैक जैसी चीजें होनी चाहिए। इनके अलावा भी आप किसी ऑथराइज्ड शोरूम या सर्विस सेंटर में जाकर जरूरी मशीनरी की जानकारी ले सकते हैं। अब है इन्वेस्टमेंट। एक ठीक ठाक और वेल इक्विप्ड गैराज शुरू करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की लागत आ सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस रेंज कैसी होगी और क्या आप टू व्हीलर सर्विस देना चाहते हैं, फोर व्हीलर या दोनों ही। इसके अलावा भी मशीनरी की कीमत, आपका लोकेशन, गैराज साइज, स्टाफ की सैलरी आदि चीजों पे भी आपका इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपके पास बिजनेस कैपिटल की कमी है तो आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट, 6 महीने का करंट अकाउंट बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस केवाईसी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट सर्टिफिकेट या बिजनेस पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब है स्टाफ एंड मैन पावर। अगर आपका बिजनेस स्केल बड़ा है तो कम से कम आपको 10 से 15 मेल एंड फीमेल स्टाफ रखने की जरूरत पड़ेगी, जिनमें रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, अगर जरूरत पड़े तो बाकी मोटर मशीन, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन रखने पड़ेंगे। इनकी सैलरी भी आप क्वालिफिकेशंस और डिग्री के हिसाब से तय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से उन्हें सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस दे सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आपको एक ऐसा मैकेनिक मिल जाए जिसे अलग अलग मोटर या कार ब्रांड्स पे काम करने की जानकारी हो और उसे स्पेयर पार्ट्स की भी डीप नॉलेज हो, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स अगर सही क्वालिटी के लगेंगे तो आपके सर्विसेज में शिकायत कम आएगी और कस्टमर्स का भरोसा आप पर बना रहेगा। नेक्स्ट इज प्राइस रेट। अपनी सर्विस के लिए आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव प्राइस रेट तय करना होगा जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और दूसरे गैराज के मुकाबले बहुत महंगा ना हो। आपका बिजनेस इस बात पे ही ग्रो करेगा कि आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है। अगर आप सर्विस अच्छी देंगे तो लोग आपको रेकमेंड करेंगे और जाहिर तौर पर ये आपका बढ़ता कस्टमर बेस आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। एडवर्टीजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो आपको एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग पे खर्च करना होगा। ये प्रिंट एड, लीफलेट, सोशल मीडिया होर्डिंग और लोकल अनाउंसमेंट के जरिए हो सकता है। आप जितना लोगों को अपने बारे में बताएंगे उतना फायदे में रहेंगे। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि बस बिजनेस ओपनिंग के वक्त ही करवाया और छोड़ दिया। इसे साल भर रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसके अलावा अगर फेस्टिवल ऑफर्स या डिस्काउंट देते हैं
तो इसे भी एडवर्टाइज करना जरूरी है। प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस। अपने बिजनेस को किसी भी रिस्क फैक्टर से बचाना हमेशा जरूरी होता है। आपके गैराज में महंगे इक्विपमेंट होंगे, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए आपके गैराज का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए और आग लगने, चोरी होने या किसी दूसरे एक्सीडेंट से बचने के लिए इंश्योरेंस लेकर रखना हमेशा बुद्धिमानी का काम होगा। अब क्विक सपोर्ट की तरफ से कुछ बिजनेस डेवलपमेंट टिप्स। अगर आप अपने ऑटो रिपेयर गैराज का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। क्लाइंट का डेटाबेस बढ़ाइए। बिजनेस शुरू करने के लिए डे वन से ही आप अपने क्लाइंट का एक डेटाबेस मेंटेन कीजिए और उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपके पास जितने लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे उन्हें अपना कस्टमर बनाइए। लोगों से बात कीजिए, उन्हें अपने सर्विस के बारे में बताइए। अगर उन्होंने सर्विस ले रखी है तो उनका फीडबैक लीजिए। उन्हें अगली सर्विस के लिए रिमाइंडर कॉल कीजिए। ऐसी चीजों से आपके कस्टमर को ये महसूस होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। एडिशनली कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में रखिए और उन्हें बर्थडे विश भी कीजिए। कस्टमर के साथ साथ आपका रिलेशन जितना स्ट्रांग होगा वो उतने ही लंबे टाइम के लिए आपसे जुड़ा रहेगा। क्वालिटी सर्विस ही आपका सक्सेस फॉर्मूला होना चाहिए। जब भी हम कहीं पैसे पे करते हैं तो उम्मीद होती है कि बदले में हमें बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मिले, फिर चाहे वो कार खरीदनी हो या सड़क किनारे गोलगप्पे ही क्यों ना खाने हो। इसीलिए अपने हर कस्टमर को अच्छी सर्विस दीजिए। वो चाहे 100 रुपए का काम करवाए या फिर 10,000 का, आपकी सर्विस से कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होगा उतना ही आप फायदे में रहेंगे। इसीलिए अपने स्टाफ को भी कह के रखिए कि एक भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड होकर नहीं जाना चाहिए। सर्विस के बाद जितना कम कंप्लेन आएगी उतनी ही आपकी इमेज बेहतर बनेगी। सोशल मीडिया को अपनी पावर बनाइए। आज छोटी से छोटी चीज भी लोग सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, इसीलिए आपके बिजनेस का सोशल मीडिया पेज और हैंडल होना चाहिए जहां आप अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे, कस्टमर्स के फीडबैक शेयर करेंगे, उनका एक्सपीरियंस और रिव्यू लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसा करने से आप बाकी लोगों में एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे और बिजनेस ट्रस्ट पे ही चलता है दोस्तों। रेफरल स्कीम। जान लीजिए कि जिस दिन आप लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर समझने लगेंगे उस दिन से हर व्यक्ति आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आपकी सर्विस से वो अगर खुश है तो बाकी लोगों को आपकी सर्विस के बारे में बताएंगे तो उन्हें आगे की सर्विस पे डिस्काउंट मिलेगा या कुछ गिफ्ट। इस तरह अगर हर महीने 10 से 20 नए कस्टमर आपसे जुड़ते चले गए तो साल खत्म होने तक आपके पास 100 से 200 नए कस्टमर्स होंगे। तो इस वीडियो में ऑटो रिपेयर गैराज खोलने के लगभग सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ऐसे ही काम लायक वीडियोस आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे। देखते रहिए क्विक सपोर्ट।